हाँ तो दोस्तों, कल हमारी बात देखो कहाँ तक पहुँच गई थी। कल हमारा 44 सवाल हो गया था ना। 44 में आपके लिए बताया था मैंने कि नीचे 1 × 2 है, 2 × 3 है, 3 × 4 है। जो डॉट लग रहा था वो पॉइंट नहीं था वहाँ पर, वो डॉट था, मतलब इंटू था। तो इसी ग्रुप का सवाल एक और है आपका, देखो 45 पर आ जाइए। अब 45 नंबर डालने, 45 सवाल कह रहा है आपसे कि 1 upon 1 × 4, 4 × 7, 7 × 10, 10 × 13 और 13 × 16। तो मैंने बताया था कल आपके लिए कि जो आपके पास में नीचे खंड हैं, उन दोनों खंडों का डिफरेंस उतना होना चाहिए जितना उनके ऊपर बैठा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिए कि इसके अंदर सब जगह ऊपर एक बैठा हुआ है, लेकिन नीचे वाले जो खंडे आपके पास में, 1 और 4, 4 और 7, 7 और 10, प्रत्येक स्थान पर आपके खंडों का डिफरेंस 3 दिख रहा है। जब 3 डिफरेंस दिख रहा है लेकिन ऊपर एक बैठा है, तो इन सभी भिन्नों को आप दो दो पार्टों में नहीं तोड़ सकते। दो पार्टों में इसको तभी तोड़ सकते हैं आप जब उन खंडों का डिफरेंस भी ऊपर हो। मतलब ये अगर 3/3 होता तो फिर आप इसको 1/1 − 1/4 लिख सकते थे, लिखेंगे 1/1 ही हम, क्योंकि जब उसको सॉल्व करेंगे तो फिर वही बन जाएगा। अब जैसे 4 × 7 है ये, तो यदि ये 3/4 × 7 होता तो ये दो पार्टों में टूट जाता, यानी 1/4 − 1/7। लेकिन अब आपके पास में जब सब जगह 3 3 3 चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं इसमें, 3/3 से गुणा भाग कर सकते हैं। तो लिखो इसमें आप 3/3 ऐसे लिखो, और इस सवाल को आप एज इट इज लिख लो। एक बार और पूरा सवाल उतार लिया ऐसे। अब देखिए, नीचे वाले 3 की हमें जरूरत नहीं है, ऊपर वाले 3 को ऊपर से गुणा कर दो। जब इस 3 से मैं इस सबको गुणा करूँगा तो सब जगह ऊपर 3 3 बैठ जाएगा, 3 3 बैठा दो। इसको आप लिखो एज इट इज, 3/ हो जाएगा 1 × 4, ये 3/4 × 7, 3/7 × 10 और 3/10 × 13, और ये फिर 3/13 × 16। ये आपके पास में सब जगह 3 3 पहुंच चुका है। अब जब सबके ऊपर 3 3 पहुंच चुका है, तो अब आपकी प्रत्येक भिन्न दो दो पार्ट में टूट जाएगी। जब टूट जाएगी तो अब आपके पास में इसका जो वैल्यू बन जाएगा 1/1 − 1/4, लिखेंगे 1/1 आप, मतलब 1/3 को आप एज इट लिखें। 1/1 − 1/4 को यदि हल करोगे ना, तो ये 3/4 ही मिलेगा आपको। आप चेक कर सकते हैं इसको हल करके, और इसको लिखेंगे फिर 1/4 − 1/7, फिर इसको लिखेंगे 1/7 − 1/10, फिर वही सिस्टम 10 13, और फिर 1/13 − 1/16। वो तो एक बार सिमेट्री बननी चाहिए बस, आगे अपने आप मिलता जाएगा आपको। ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस सब खत्म, जब सभी खत्म हो गए तो आप 1/3 × 1/1 − 1/16 ये लिख सकते हैं लास्ट में। और आप 1/3 के साथ में 16 एलसीएम ले लो, तो 16 − 1 ये रह गया। और थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ मैं इसको, 15/16, और लास्ट में आप देखिए 3 से 15 काट दो 5 बार, उत्तर आ गया तुम्हारा 5/16। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। तो कंसेप्ट यह था कि जो भी खंडों का डिफरेंस है वो ऊपर होना चाहिए। सब जगह आपको 3 चाहिए था, तो मैंने 3/3 से गुणा भाग कर दिया इसमें। अगर सब जगह 2 चाहिए था, हो सकता है सबके जो खंड देख रहे हैं आप, इनका अंतर 2 मिलता हमें, जब 2 मिलता 2/2 कर देते हम। तो ये इस तरीके के सवालों में ये खासियत मिलेगी आपको, और जब खासियत मिलेगी तो जब इसको सीख जाएंगे आप, तो आप इसको डायरेक्ट वहीं काट लेंगे। आप देखिए कि ये 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, 4 से 4 गया, 7 से 7 गया, 10 से 10 गया, 13 से 13 गया, 1/1 यहाँ रह गया, 1/16 यहाँ रह गया लास्ट में आगे सीखने के बाद। शुरुआत में तो आपको पूरा उतारना है, पूरा करना है, और लास्ट में इसको शॉर्ट में ले जाना है फिर।
इसके बाद में अब हमारा कंसेप्ट थोड़ा आगे क्या कहता है, फोर्टी सिक्स सवाल जो कह रहे हैं आपसे उस पे आते हैं हम। 46 में कहा गया कि 100 तथा 200 के मध्य में 13 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं। अब ये संख्याओं की काउंटिंग पूछ रहा है, ग्रुप चेंज हो रहा है थोड़ा सा, तो इसको तो वैसे मुझमानी भी कर सकते हैं हम कि 100 और 200 के बीच 13 से कटने वाली संख्याओं की काउंटिंग करवा रहा है, तो 13 से 100 से ऊपर 104 में भाग जाएगा ना, 13 अट्ठे 4 होते हैं, और फिर 170 जाएगा, फिर 130 में जाएगा, मतलब 13 से कटने वाले 100 और 200 के बीच में आपको संख्याओं को चेक करना है। तो मैंने देखा कि 13 अट्ठे 4 होते हैं, अब 13 जोड़ो ये आ गया, फिर 13 जोड़ो, फिर 13 जोड़िए, अब 143 आ गया, फिर 13 जोड़ो 156 आ गया, फिर 13 जोड़िए 169 आ गया, फिर 13 जोड़िए 182 आ गया, फिर 13 जोड़िए, गड़बड़ तो नहीं हो गया, 195 आ गया। चेक करना कितनी बैठ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो मैं अगर 13 जोड़ूंगा तो फिर 200 से ऊपर चला जाएगा, 200 से ऊपर नहीं ले सकते हम, 200 और 100 के बीच की बात कर रहा है। तो ये हमारा सवाल बन चुका है, 100 और 200 के बीच में 13 से विभाजित होने वाली संख्याएं काउंट कर लो आप कितनी बैठ रही हैं, 8 बैठ रही हैं। तो आप कह सकते हैं कि भाई 8 संख्याएं हैं, लेकिन ये तो ग्रुप छोटा था हमारा जो चेक कर लिया हमने। अगर एक ग्रुप बड़ा गया हमारे पास में, वो कहता है 100 और 1000 के बीच चेक करो, फिर तो इस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते हम, कब तक निकालते रहेंगे आप। तो आप इसका इलाज करो, फिर इसका इलाज करते हैं हम डायरेक्ट। सवाल ये कह रहा है आपसे कि 100 और 200 के बीच कह रहा है ना, तो इसका मतलब है कि 100 इसमें शामिल नहीं है और 200 भी शामिल नहीं है। तो आप सेकंड मेथड डालिए, इसको करना कैसे है? तो सबसे पहले बात है कि 100 तथा 200 के बीच के मध्य की बात कर रहा है, तो इसका मतलब 100 शामिल नहीं है, तो 101 तो हो सकता है शामिल, शुरुआत में 101 शामिल हो सकता है, भाग जाए चाहे नहीं जाए शामिल तो है ही, लास्ट में 199 शामिल हो सकता है इसमें, ठीक है ना, 200 से जस्ट छोटा। आप इसको भी 13 से भाग दो, इसको भी आप 13 से भाग दो, और मुझे बताओ भागफल क्या क्या आ रहे हैं, कोशेंट चेक करना है आपको, केवल शेषफल आपको भूल जाना है, आप तो देखना है कि भाई 13 का भाग दे रहा हूँ मैं इसमें, तो 13 अट्ठे 4 ज़्यादा हो गया, 13 सत्ते 91, 7 बार भाग जा रहा है पूरा पूरा यहाँ पर, और यहाँ पर भाग दीजिए आप 13 कम 13 6 बचे, और 13 पंजे 65, मतलब ये कहने का 15 यहाँ बच रहा है 7 यहाँ बच रहा है। अब 7 बार भाग यहाँ पर जा रहा है, 15 बार भाग यहाँ पर जा रहा है, शेषफल यहाँ ही बच रहा है, शेषफल यहीं बच रहा है, शेषफलों को भूल जाओ, केवल आपको भागफल लिखने हैं, भागफल लिखने। अब इन दोनों भागफलों का डिफरेंस चेक करो, अंतर क्या आ रहा है, देखो इन दोनों का अंतर आ रहा है 8, और आपका आंसर भी क्या था, अभी 8 ही था। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो भी आपके भागफलों का अंतर आएगा, आप जो भी अंतर आ रहा है उसको उत्तर दे दीजिए, उतनी संख्याएं। लेकिन इसमें आपके पास में अगर पहली वाली संख्या में पूरा पूरा भाग चला गया तो थोड़ी सी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आंसर तो आ गया इसका हमारे पास। लेकिन अगर मैं सवाल कहता आपसे कि 100 तथा 200 के मध्य में, नहीं कहता मैं आपसे, कहता मैं 103 तथा 200 के मध्य, ध्यान से देखें आप, मैं कहता आपसे कि 103 और 200 के मध्य, तो आप देखिए 103 और 200 के मध्य की जब बात करते तो 104 फिर भी आती, फिर वही 117 आती, इसका मतलब आंसर फिर भी हमारे पास में 8 ही आता, क्योंकि 104 तो 103 के बाद ही आ रहा है ना। अगर मैं कहता 103 और 200 के मध्य में, तो जब प्रैक्टिकल माध्यम से हम सॉल्व कर रहे हैं, उनको देख देख करके भाग दे देकर चेक कर रहे हैं, फिर तो इसका आंसर 8 ही है हमारे पास में। लेकिन आप जब इस विधि से हल करोगे तो इसका मतलब यहाँ पर 103 नहीं आएगा, और जब यहाँ पर 103 नहीं आएगा तो यहाँ पर 104 आएगा, जब 104 आएगा तो यहाँ पर देखो 13 का भाग पूरा पूरा जा रहा है इसमें, जब पूरा पूरा जा रहा है तो यहाँ पर 8 आएगा फिर, और जब यहाँ 8 आएगा तो फिर 8 और 15 का जो अंतर है वो फिर 7 आएगा, तो जब 7 आएगा तो उत्तर गलत हो गया ना। ये गलती क्यों हुई,
ये गलती यूँ हुई कि पहली वाली संख्या आपकी पूर्ण विभाजित हो गई तो डिफरेंस का चक्कर एक का पड़ गया इसमें, तो इसका तुम ध्यान रखोगे फिर, इसकी दिक्कत नहीं है। इसमें तो पूरा पूरा भाग जाए चला जाए, केवल आपको इसकी ध्यान रखनी है कि भाई अगर पहली वाली संख्या में पूरा पूरा भाग चला गया तो जो भी डिफरेंस आएगा आपके पास में उसका एक जोड़कर उत्तर देना है आपको। बात क्लियर हो गई? इसका नोट डाल दो आप कि जो भी आपके पास में पहली वाली संख्या है अगर पूरा पूरा भाग चला गया उसमें तो जो भी डिफरेंस आएगा उसमें एक जोड़कर उत्तर देंगे, इसका नोट डालो। लिखो, इस विधि में यदि पहली संख्या पूर्ण विभाजित हो गई होगी तो जो भी अंतर आएगा उसमें एक जोड़कर उत्तर देंगे। और ये भी डाल दो कि यदि दूसरी वाली पूर्ण विभाजित हो गई, यदि अंत वाली संख्या पूर्ण विभाजित हो गई होगी तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा मतलब अंत वाली तो विभाजित हो या नहीं हो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। इस विधि में यदि पहली संख्या पूर्ण विभाजित होगी तो जो भी अंतर आएगा उसमें एक जोड़कर उत्तर देंगे, और यदि अंत वाली संख्या पूर्ण विभाजित होगी तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसका ध्यान में रखेंगे आप तो कोई दिक्कत नहीं है। इस ग्रुप का हर सवाल होगा आपसे, जैसे क्वेश्चन नंबर आप देखिए 47 क्या कह रहा है, कह रहा है आपसे कि 50 और 150 के मध्य, 50 तथा 150 के मध्य 17 से विभाजित, होने वाली संख्याओं की बात कर रहा है। तो ये कह रहा है 50 और 150 के मध्य में 17 से विभाजित होने वाली, तो आप देखिए कि 50 और 150 की बात हो रही है तो इसका मतलब हुआ कि मध्य की बात हो रही है, तो 50 शामिल नहीं है, फिर तो 51 शामिल होगा, सबसे पहले 51 शामिल और लास्ट में आपका है 149 शामिल, इसको भी आप 17 से भाग देंगे, इसको भी 17 से भाग देंगे, इसमें 17 से 3 बार भाग जा रहा है और इस 17 से कितनी बार जा रहा है, देखो 8 बार ये भागफल आए, दोनों को अंतर दिखाओ, अंतर तो देखो 5 आ रहा है, लेकिन सावधानी बात यह कि पहली वाली संख्या में पूरा पूरा भाग चला गया 17 51, तो सावधानी बात यह कि इसमें एक जोड़िए तो +1 कर दो, +1 कर दिया हमने तो उत्तर क्या आएगा, 6 आएगा, और इसमें यहाँ लिख भी दो क्योंकि पहली संख्या पूर्ण विभाजित है इसलिए किया है आपने ऐसा, विधि वही है, केवल पहली संख्या पूर्ण विभाजित हो गई तो आपको क्या करना है उसमें एक जोड़कर उत्तर दे रहे हैं बस, ये था हमारा 47। 48 कहता है आपसे कि 3 से 80 तक की सभी संख्याओं में 7 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं, अब 3 से 80 तक की बात कर रहा है, 3 से और 80 तक तो 3 भी शामिल और 80 भी शामिल, तो आप लिखो आप 3 में भाग दीजिए किसका, 7 का,
80 में भाग दीजिए 7 का, 48 में सवाल है। आप ध्यान से देखिए, आपकी 3 में 7 का भाग जाता ही नहीं है, इसका मतलब आपकी संख्या भाजक से छोटी है। जब संख्या भाजक से छोटी होती है ना, तो आपका जो भागफल आता है वो 0 आता है। भागफल 0 आ गया, अगर मैं पूछूँ आपसे भागफल तो 0 आ गया, लेकिन शेषफल क्या है इसमें? शेषफल तो नहीं आएगा फिर। यानी जब आपकी संख्या भाजक से छोटी होती है तो आपका भागफल 0 आता है, और स्वयं संख्या जो होती है वो शेषफल होती है। इसका मतलब आपसे पूछे भाई 3 में 7 का भाग देंगे तो क्या शेष आएगा? 3 ही आएगा। क्या भागफल आएगा? 0 आएगा। यहाँ भाग दीजिए, यहाँ 11 बार जा रहा है, देखो दोनों का डिफरेंस चेक करिए, 11 ही आ रहा है, तो आंसर आ गया। तो आंसर है तो 11। ये आपका सवाल था 48 में, 3 से 80 तक, 3 भी शामिल 80 भी शामिल, डिफरेंस 11। इसके बाद बोला है आपसे कि 1000 तथा 5000 के बीच, अब बीच की बात कर रहा है तो 1000 शामिल नहीं है इसका मतलब, तो शुरुआत में 1000 एक लिखो, 49 में, 49, 1000 एक बटे कर दीजिए आप इसमें 225, इधर लिखिए आप 4999 बटे कर दो 225, भाग दीजिए इसमें आप, भागफल अब 225 को 225 से भाग देंगे 1000 में आप, तो 225 चौके होते 900, 225 चौके 900 होंगे और फिर आगे चला जाएगा, तो 4 बार ही भाग जाएगा पूरा पूरा इसमें, 225 चौके 900 होते हैं ना। और इधर की साइड में देखो आप, अब 225 का डबल करूँगा मैं, तो डबल करने पर आएगा 450, अब 499 आपको दिख रहा है, 450 आ गया तो 9 शेष बचेगा, फिर आपके पास में 4 शेष बचेगा, फिर 499 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ 2 बार भाग जा रहा है, और फिर आपका फिर 2 बार भाग जाएगा, क्योंकि 499 फिर बच रहा है इसमें, जब 2 बार भाग जाएगा तो फिर शेष बच जाएगा इसमें, वही आपके पास में 49, और जब 49 शेष बच जाएगा तो उसकी ज़रूरत नहीं हमको, तो आप सीधा अंतर निकाल सकते हैं यहाँ से, 22 और 4 का अंतर 18, 18 का मतलब बी आंसर। कंसेप्ट वही चल रहा है, सबसे बड़ी जो बात है इसके अंदर वो ध्यान ही देनी है कि मध्य की बात तो नहीं कर रहा है वो, जब मध्य की बात करता है तो फिर आपको जो स्टेप उससे अगले लेना है और लास्ट वाले से पहले लेना है, और अगर से और तक की बात कर रहा है तो दोनों शामिल हो जाएंगे आपके। इसके बाद में आप आइए 50वें सवाल पर, लेकिन 50वें सवाल में एक थोड़ा सा चेंजमेंट आ रहा है, देखो ये कह रहा है आपसे कि 3 अंकीय कुल कितनी संख्याएं 3 तथा 2 से विभाजित हैं। अब इसने बोला 3 तथा 2 से विभाजित हैं, 3 से विभाजित है तथा 2 से विभाजित है, ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? ऐसी स्थिति में आपको जब 2 या 2 से अधिक भाजक हों तो उनका आपको एलसीएम लेकर के हल करना है, तो इसका नोट डालो। नोट डालो, यदि किसी प्रश्न में 2 तथा 2 से अधिक भाजक हों तो उनका एलसीएम लेकर एक ही भाजक बनेंगे बनाएंगे, ठीक है ना। अब 2 या 2 से अधिक भाजक कितनी है उनका एक एलसीएम बन जाएगा, तो फिर वो संख्या बन जाएगी आपकी। जैसे सवाल नंबर आप डाल रहे हैं 50 में, इसने बोला आपसे कि 3 अंकीय संख्याएं, तो आप 3 अंकीय संख्या जानते हैं, 3 अंकीय संख्याएं होती हैं आपकी कहां से कहां तक? 100 से 999 तक, 100 से 999 तक। अब ये कह रहा है कि 2 तथा 3 से विभाजित, 2 तथा 3 का एलसीएम निकालो, फिर आप 6 आ गया,
अब सवाल बना है हमारा कि तीन अंकीय संख्या बोली इसने, इसका मतलब 100 से 999 तक, दो और तीन से डिवाइड बोला इसने तो दो और तीन का एलसीएम 6 आया। तो सवाल ये बना है कि 100 से 999 तक 6 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं, क्योंकि जो 6 से विभाजित होगी वो 2 से भी होगी और 3 से भी होगी। तो अब आपका सवाल तैयार हुआ है कि 100 से 999 तक 6 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या है। ठीक है ना, तो आप सबसे पहले इसमें 100 में 6 का भाग देंगे, फिर 999 में 6 का भाग देंगे, ये 16 बार भाग जा रहा है। और यहाँ ध्यान से देखो आप, 6 कम 6 तीन बच्चे, 6 सन 36 और 6 सन 36, अंतर निकालो, अंतर कितना आ रहा है बताओ, अंतर इसका 150 आ रहा है, तो ये इसका आंसर हो गया। इसका मतलब है कि 150 संख्या ऐसी थी हमारे पास में जो 2 से भी कटेंगी और 3 से भी कटेंगी। तो ये तथा वाला कंसेप्ट हो गया। इसके बाद में जो आपका 51 है वो भी ऐसा ही है, इसने बोला है 1000 से कम, 1000 से कम का मतलब होता है 1 से लेकर 999 तक। हजार से कम का मतलब 1 से 999 तक, 10 और 13 बोला इसने, 10 और 13 का एलसीएम निकालो, 130 ही आएगा। सवाल बन गया, हमारा कि 1 से 999 तक 130 से विभाजित कितनी संख्या है, ये बोल रहा है। तो इस तरीके से जो आपके लिए आ रहा है सवाल, तो इसके अंदर आपसे 1 से 999 तक की बात कर रहा है, तो इसका मतलब है कि 1 में भाग देंगे आप 130 का। सबसे पहले आप लिखो 1/130, और यहां लिखो आप 999/130। यहां जो भागफल आ रहा है आपके पास, ये तो 0 ही आ रहा है भाई, 1 में भाग जाएगा नहीं। और यहां पर जो भागफल आ रहा है आपके पास में, जो 13 6 78, 13 7 91, अगर आप 6 बार देते हो तो 780 आता है, 13 7 91 करते हैं तो 910 आता है, और 13 8 4 करते ज़्यादा हो जाता है। इसका मतलब है कि 13 से चेक हो रहा है यहाँ पर, तो 13 7 91 होते हैं, तो आप 7 बार यदि इसको भाग देंगे तो आपके पास में 999 से कम ही आएगा ना, और 8 बार देंगे ज़्यादा चला जाएगा। इसका मतलब इसमें 7 बार भाग जा रहा है हाईएस्ट, शेषफल को हम भूल ही जाते हैं, और इन दोनों का डिफरेंस आपको दिख रहा है क्लियर, अंतर 7, तो ये आंसर आ गया। तो इसमें आपका आंसर था 7 संख्याएं। लेकिन जो 52 सवाल आ रहा है, इसमें आपके लिए बदलाव और हो गया। इसमें कह रहा है कि 100 से 500 तक की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 या 5 दोनों से, 3 या 5, अभी देखो इसमें या वर्ड आ गया, यानी एक तो था तथा, एक है या, तथा में तो आप एलसीएम लो और चेक कर लो, लेकिन अगर या शब्द आ गया तो आपको इसमें 3 बार काम करना पड़ेगा, आपको 3 से भी चेक करना पड़ेगा, आपको 5 से भी चेक करना पड़ेगा, आपको 15 से भी चेक करना पड़ेगा, क्यों या शब्द आ रहा है ना, या 3 से डिवाइड हो या 5 से डिवाइड हो, उन सबको काउंट करना है आपको, जरूरी 15 से डिवाइड हो, 3 से डिवाइड होंगी वो भी काउंट करनी है, 5 से डिवाइड होंगी वो भी काउंट करनी है। तो हमको 3 बार चेक क्यों करना पड़ेगा, क्यों 3 से चेकिंग हो जाएगी 5 से चेकिंग हो जाएगी, लेकिन जब 15 से चेकिंग करेंगे हम तो 15 से जब चेक करते हैं तो वो 3 से भी कटती है और 5 से भी कटती है। तो इसका मतलब हुआ कि आपको यहाँ पर 3 से और 5 से कटने वाली जो संख्या आएंगी उनमें से आपको
15 से कटने वाली संख्या को घटाना पड़ेगा, तब जाके आपको पता चलेगा भाई 3 या 5 से कटने वाली संख्या कितनी है। फिर आपके पास जो टोटल संख्या है, ये कह रहा है 100 से 500 तक। अब 100 से 500 तक की बात कर रहा है, तो इसका मतलब है कि 101 से 500 तक 400 संख्या हो गई, और 100 खुद है वो, 100 खुद है तो एक संख्या और बढ़ गई। तो 100 से 500 तक यदि सारी संख्याओं की बात करता हूँ मैं, तो 401 संख्या है तुम्हारे पास। 401 संख्याओं में से कितनी संख्याएं विभाजित होने वाली आएंगी, उनको हम 401 में से घटाएंगे, तब जाके इस सवाल का आंसर आएगा। तो आप इसको 100 से 500 तक चेक करो पहले 3 या 5 से। 3 या 5 का मतलब 3 बार चेक होगा ये। और वो कैसे चेक होगा, देखो इसमें आप सबसे पहले 100/3 और 500/3 चेक करो, फिर 100/5 और 500/5 चेक करो, फिर 100/15 और 500/15 चेक करेंगे हम। यहाँ से देखिए कितना आ रहा है, 33 बार जाएगा भाग इसमें। और यहाँ से चेक करो, 3 एकम 3, 2 बचे, 3 6 18, 3 6 18। सावधानी से भाग दें आप, चेक कर चलें, सही दिया है ना, 3 एकम 3, 3 6 18, 3 6 18। दोनों का डिफरेंस मैं चेक कर रहा हूँ, 133 आ रहा है। ये तो चेक होगी 3 वाली, तो ऐसे ही 5 वाली चेक करो। 5 का 100 में 20 बार आ रहा है भाग पूरा पूरा, सावधानी से काम करें, पूरा पूरा भाग गया। जब पूरा पूरा भाग जाता है तो उसमें डिफरेंस जो भी आता है उसमें 1 बढ़ाना पड़ता है हमें। तो यहाँ पर आपका पूरा पूरा भाग गया, और यहाँ पर भी आपका पूरा पूरा भाग गया। यहाँ से कोई टेंशन नहीं है, यहाँ तो पूरा पूरा भाग जाए चाहे नहीं जाए, इससे कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन पहली में तो पूरा पूरा भाग गया ना, जब पहली वाली में पूरा पूरा भाग जाता है तो आपका डिफरेंस यहाँ 80 आ रहा है। लेकिन आपका जो डिफरेंस 80 आ रहा है, ये 80 नहीं आएगा आंसर, आपको इसमें 1 जोड़ना पड़ेगा, 81 आएगा। 15 6 90, 6 बार जाएगा। और 15 3 45, 15 3 45 डिफरेंस चेक करो, 27 आ गया। तो इसका मतलब यह कि आप 15 से चेक क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि 15 से चेक यूँ कर रहे हैं कि 15 से जब संख्या कटती है तो 3 से भी कटती है और 5 से भी कटती है। जब 3 से भी कटती है और 5 से भी कटती है तो वो संख्या यहाँ भी काउंट हो गई और यहाँ भी काउंट हो गई, तो इनमें 2 बार थोड़ी काउंट करनी है हमको। जब 2 बार काउंट नहीं करनी, तो आपको इन दोनों में से इसको घटाना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि 3 या 5 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या है। तो आप लिखें यहाँ पर 3 या 5 से विभाजित होने वाली कुल संख्या बराबर 133 + 81 - 27। 133 में 27 घटाओ, 106 बचे, 106 और 81 जोड़ो, 187 आ गया। भाई 133 प्लस के हैं, 27 माइनस के हैं, नज़दीक थे दोनों। 133 में 27 घटाया मैंने, 106 बचा, 106 में 81 जोड़ा, 187 आ गया। तो 187 संख्या ऐसी हैं तुम्हारे पास जो 3 या 5 से विभाजित हैं। अब हम टोटल संख्या काउंट करते हैं, क्योंकि इस सवाल में पूछा है तुमसे मैंने कि 3 या 5 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएँ नहीं है। नहीं है तो इसको आप एक लाइन और बढ़ाओ, चूँकि 100 से 500 तक कुल संख्याएं 401 हैं, जिनमें से 187 संख्याएं 3 या 5 से विभाजित हैं, डायरेक्ट लूप विभाजित हैं। इसलिए 3 या 5 से विभाजित नहीं होने वाली संख्याएं बराबर 401 - 187। और ये चेक करने पर आ रहा है 11 में 7 के 4 बचे, और ये देखो आप कितना आ रहा है,
ग्यारह में सात के चार बच्चे, यहाँ नौ रह गए, नौ में से आठ गए तो एक बच्चा, और यहाँ आपके पास में कितना रह गया बताओ, तीन, तीन में से गया दो बच्चा, ये आ गया 214। ऑप्शन में देखो 214 है कि नहीं, बिल्कुल है, सी मतलब तीसरा आंसर है इसमें 214। अब देखो इसमें 187 भी आंसर दे रखा है, 187 भी दे रखा है, क्योंकि आपको ऐसे आंसर मिलेंगे, इसने विवाहित होने वाली भी दे रखी है और नहीं होने वाली भी दे रखी है, तो आपको सावधानी से काम करना है इसमें। या शब्द यदि आ गया तो आपको फिर दोनों से चेक करना है, और फिर आपके जो उनका एलसीएम वाला उससे भी चेक करना है, ठीक है ना। तो इसके बाद में आप ग्रुप चेंज करेंगे, ये इसका ग्रुप का अंतिम सवाल था आपका। अब इसके बाद में थोड़ा सा मैं और आपको बताता हूँ कुछ नोट्स के बारे में, उसके बाद में सवाल आपके डिस्कस होंगे। कई बार सवाल आता है आपके लिए, जैसे मान लीजिए कि एक से लेकर के 100 तक की जो संख्या हमारे पास में उनमें कितनी जीरो हैं, इस टाइप का सवाल आता है कई बार। एक से लेकर के 300 तक की संख्या में कितनी जीरो आएंगी, तो इनका एक जनरल नॉलेज हम चेक कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक से लेकर 100 तक की बात मैं करता हूँ, तो एक से लेकर 100 तक में सबसे पहले जीरो 10 में आती है, फिर 20 में आएगी, फिर 30 में आएगी, फिर 40 में आएगी, 50 में आएगी, 60 में आएगी, फिर 100 में आएंगी। तो मतलब ये कहने का कि वो 10 हमारे पास संख्या ऐसी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 10 संख्याओं में से, लेकिन लास्ट वाली जो संख्या है 100, उसमें ज़रूर दो जीरो हैं, वरना सब में एक एक जीरो थी। तो इसका मतलब पकड़ में आ गया कि भाई एक से लेकर 100 तक सारी संख्याओं में 11 जीरो होती हैं। कितनी होती हैं? 11। अब मैं चेक करता हूँ कि 101 से लेकर के 200 तक, जब 101 से 200 तक की बात मैं करूँगा, तो उसमें आपके पास में 110, 120, 130, 200 तक वो तो हैं हमारे पास, वो तो 11 हैं ही, जैसे मान लो 10, 20, 30 वाली थी, यानी 110, 120, 130 से लेकर 200 तक में वो 11 हमारे पास में ऑलरेडी हैं। लेकिन इसमें एक्स्ट्रा और बढ़ रही हैं, 101 बीच में जीरो आया ना, 102 बीच में जीरो आया ना, तो ऐसे लेकर के 101, 102, 103 से लेकर 109 तक 9 जीरो और बढ़ गई इसमें, तो 9 जीरो और बढ़ गई और 11 वो हैं। 11 9 कितने हुए? 20 हुए। 20 हुए तो इसका मतलब हुआ कि 101 से अगर 200 तक की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब उस पूरे ग्रुप में 20 जीरो आएंगी। अब आप 201 से 300 तक की बात करेंगे तो भी 20 आएंगी, क्योंकि 201 में आपके पास 201 से लेकर 209 तक 9 हो गई, फिर वही 210, 220, 230, 240 और 300 तक वो 11 आएंगी। तो मतलब ये कहने का कि हर लाइन में शुरुआत की जो लाइन है 1 से लेकर 100 तक, उसमें 11 हैं, 101 से लेकर 200 तक 20 हैं, 201 से लेकर 300 तक 20 हैं, और वो आपकी 801 से लेकर 900 तक 20 चलेंगी। लेकिन जो लास्ट वाली लाइन आएगी 901 से 1000 तक, तो 1000 में 3 जीरो होती हैं, 1000 में 3 जीरो होती हैं, तो उसमें आपकी 20 से 21 हो जाएंगी फिर, तो 1000 तक का वेरिफिकेशन मुझवा नहीं हो गया। तो आप इसको चाहे तो इंडिकेट कर लो, लिखो 1 से 100 तक की सभी संख्याओं में नोट डाल लें, संख्याओं में 11 शून्य होती हैं। दूसरा नोट डालें, 101 से 200 तक 20 होती हैं। अब आप तो 201 से 300 तक की बात करेंगे तो भी 20 होंगी, और आप इसी प्रकार से बात करते जाएंगे 801 से 900 तक, तो आप सबको क्या कहेंगे? 20 ही कहेंगे। लेकिन लास्ट में आपकी 901 से जब 1000 तक आएगी तो उसमें आपकी 21 आएगी। कितनी आएंगी? 21। तो 21 संख्या हमारे पास में ऐसी हैं जो कि 901 से 1000 तक हैं, तो इनमें से कोई भी आपके लिए कोई ग्रुप आ सकता है, तो उस ग्रुप के हिसाब से आप इसको निकाल सकते हो। जैसे मैंने सवाल दिया आपके लिए, कौन सा अगले वाला सवाल जो दिया है, जीरो के ऊपर ही दिया है मैंने आपको, और उसके अंदर दे रखा है हमने कि 101 से लेकर 300 तक, तो आप मुझे नहीं कर सकते। आप 101 से 300 तक की बात कर रहा है,
तो 101 से 200 तक 20 हो गई, और 201 से 300 तक 20 हो गई, तो 20 और 20 कितनी हो गई, 40 हो गई। तो आप कह सकते हैं सीधा भाई 101 से, सवाल नंबर आप डाल दीजिए 53, और 101 से 300 तक की सभी संख्याओं में कुल शून्य बराबर 20 प्लस 20 बराबर 40 उत्तर ये दे दो। इसके बाद में बात करता हूँ मैं अंकों वाली, एक अलग से नोट की बात और करते हैं हम, जैसे जीरो वाला नोट था ये, तो अब मैं बात करता हूँ आपसे अंकों वाली। जैसे मान लीजिए हमारे पास में 1 से लेकर 9 तक की संख्या है, जब 1 से लेकर 9 तक की संख्या है उनके अंदर बताओ कितने अंक आते हैं। 1 से लेकर 9 तक की सभी संख्याओं हमारे पास में 9 अंक आते हैं भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसका मतलब एक एक अंक चला। लेकिन 10 से लेकर के जब मैं बात करता हूँ 99 तक, तो 10 से 99 तक दो दो अंक चलेंगे आपके, 10, 11, 12, 13, 14 और 99 में 9, 9। तो मतलब ये निकला हमारा कि 1 से लेकर 9 तक 9 संख्याएं एक अंक वाली, 10 से लेकर 99 तक संख्या होती हैं आपकी 90, भाई 10 भी शामिल है उसमें, 90 संख्याएं ऐसी हमारे पास में तो दो अंकों वाली है। तो अगर कुल अंकों की बात करूँगा मैं तो 90 × 2 कर दूंगा मैं भाई, हर एक संख्या में दो दो अंक चल रहे हैं और 90 संख्या दो अंक वाली हैं, तो 90 × 2 किया मैंने तो 180 अंक आए। यदि मैं पूछता हूँ आपसे भाई 100 तक के अंकों को काउंट कर लो, तो आप देखिए 1 से लेकर 9 तक 9 है, 10 से लेकर 99 तक 90 संख्याओं का मतलब 180 अंक हैं, और 100 के अंदर 100 तीन अंक इसमें हो गए, तो इसका मतलब 9 ये हो गया, 180 वो हो गया, 90 × 2 180 और 189 हो गया, और 3 हमारे पास में 100 वाला है तो कितना हो गया, 192 हो गया, मुझे वाली सवाल निकल गया। अगर मैं पूछा आपसे भाई एक किताब 100 प्रश्नों की है, कितने प्रश्नों की है, 100 प्रश्नों की, और मैंने बोला कि सभी का प्रश्नांकन करना है हमें, तो प्रश्नांकन करते वक्त कुल अंकों की काउंटिंग कितनी होगी, कुल अंकों की संख्या कितनी होगी, तो आंसर आ गया हमारे पास 192। तो इस तरीके से आपको इनको नोट करना है, ये भी नोट डाल दो कि 1 से लेकर 9 तक लिखो, इसमें 1 से लेकर 9 तक की सभी संख्याओं में आने वाले कुल अंक बराबर 9 × 9। अब ये आप कह सकते हैं एक अंक वाली, ऐसे कह सकते हैं एक अंक वाली। दूसरा लिखो 10 से 99 तक सभी संख्याओं में आने वाले कुल अंक, तो ये संख्या होती है आपकी 10 से 99 तक। आप देखो डिफरेंस तो इसका 89 आ रहा है, लेकिन 10 भी तो शामिल है ना उसमें, तो 89 में एक और बढ़ जाएगा तो 10 इसका मतलब एक संख्या और बढ़ जाएगी तो आपकी 89 और 90 हो जाएगी, तो दो अंक वाली संख्या जो होती है आपके पास में 90 होती हैं। अब आप देखो 1 और 9 का डिफरेंस तो 8 आ रहा है, 9 और 1 का डिफरेंस कह रहा है 8, लेकिन संख्या तो 9 है ना वो, तो मतलब ये कहने का कि 1 से लेकर 9 तक की बात कर रहा है तो एक अंक वाली 9 संख्याएँ, अब 1 0 ही तो बढ़ी है इसमें, 9 की जगह 90 आ गया, 90 × 2 करो 180 अंक आ गए। अब ये दो अंक वाली हो गई, दो अंक वाली संख्याएँ, अगर मैं 3 अंक वाली की बात करता हूँ तो ये भी लिख लो आप, 100 से 999 तक की सभी संख्याओं में आने वाले कुल अंक डायरेक्ट नोट कर दो, ये 900 संख्या होती हैं, 2700 अंक हो गए टोटल, ये 3 अंक वाली लिख दो इसमें, 3 अंक वाली संख्याएं और एक ये भी लिख दो 1000 से
9999 तक। सभी संख्याओं में आने वाले कुल अंक तो 9000 × 4 ये 36000, और इसमें भी इंडिकेट कर दो 4 अंक वाली। तो सारांश निकला पूरा हमारा कि एक अंक वाली संख्या होती है हमारे पास में 9, दो अंक वाली संख्या होती है हमारे पास में 90, तीन अंक वाली संख्या होती है हमारे पास में 900, चार अंक वाली संख्या होती है हमारे पास में 9000। एक एक जीरो बढ़ती जा रही है, 9 सब में कॉमन है। और अब आप बीच में से कोई पूछता तो बीच का भी निकाल सकते हैं, तो बीच का निकालिए। इसमें बीच में पूछा है मैंने आपसे 1 से 200 तक, चेक करो आप। एक से 200 तक की बात कर रहा है ना, 1 से 200 तक। अब डायरेक्ट करूंगा मैं 1 से 9 तक, 9 एकम 9, 10 से 99 तक, 90 × 2 180 अंक हो गए। अब आप करेंगे 100 से 200 तक, तीन अंक वाली संख्याएं। अब आप देखिए 100 से 200 तक की बात हो रही है, तो 101 से 200 तक ही 100 हो जाती है, 100 और शामिल है इसमें, तो इसका मतलब 101 संख्या हमारे पास में 3 अंकों वाली हो गई। तो ये 303 कर दो इसको, और इन सबको ऐड कर लो, उत्तर आ गया है हमारा। सबको जोड़िए इनको, कितना जोड़ बैठ रहा है, ये बैठ रहा है आपका 9 और 3 12, और ये 8 और 1 9, और 3 और 1 4। चेक कर लेना जोड़ को, 9 और 3 12 हो गया, 8 और 1 9 हो गया, 3 और 1 4 हो गया, 492। 492 टोटल अंक आएंगे 1 से लेके 200 तक की, अगर आप संख्या लिखेंगे तो। इसका आंसर हमारे पास में हो गया डी, 492। ठीक है ना। अगर इसको ये 200 तक की बात करता है, तो इसको मैं अभी बात कर रहा था आपसे कि भाई 200 पृष्ठ की किताब भी बोल सकता है, कि एक किताब है उसके पास में 200 पृष्ठों की है, उसका पृष्ठांकन कर रहा है वो, तो पृष्ठांकन करते वक्त कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी, तो यही आंसर है इसका। तो लैंग्वेज चेंज कर सकता है, उसमें कन्फ्यूज नहीं हो बस। इसके बाद में अगला कंसेप्ट हमारे पास में आ रहा है 5 के खंडों का। अब इसको अगला और कंसेप्ट समझते हैं हम। 5 के खंडों की बात जब बात आ रही है, तो 5 ही खंड हमारे पास में होते कहाँ पर हैं। सबसे पहले मैंने बोला आपसे भाई 1 से लेके 25 तक की संख्याओं की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। 1 से लेके 25 तक की वो संख्याएं चेक करो आप जिनमें 5 बैठा हुआ है, तो भाई 5 तो उसमें बैठेगा जिसमें 5 का भाग जाएगा। मैंने बोला सवाल कि 1 से लेके 25 तक की जो संख्याएं हैं उनमें 5 के टोटल फैक्टरों को चेक करो, टोटल खंडों को चेक करो, भाई कुल कितने खंड हैं। अब जैसे मान लीजिए सबसे पहले 5 आएगा, 5 में 5 का भाग जा रहा है, और 5 का मतलब 5 × 1 है, इसका मतलब 5 का 1 खंड हो गया उसमें। अब जैसे 10 आएगा, 10 में होता है 5 × 2, 5 × 2 का मतलब 5 का 1 खंड है इसमें भी, तो जिसका मतलब है कि भाई जिसमें 5 का भाग जाएगा उसमें आपको 1 खंड मिल जाएगा। अब 5 का भाग 5 में जा रहा है, 10 में जा रहा है, 15 में जा रहा है, 20 में जा रहा है, 25 में भी जा रहा है। मैं 25 तक की बात कर रहा हूँ पहले, फिर धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे, हम मुंहजवानी बढ़ेंगे बिल्कुल, बहुत सिंपल कंसेप्ट की तरह से। सबसे पहले बोला मैंने 5 के खंडों की संख्या चेक कर रहे हैं हम 1 से 25 तक। हमने दिमाग में लगाया भाई 5 ही खंडों की जब बात आ रही है, तो 5 से कटने वाली संख्या काम की है हमारी, और संख्याओं से मतलब ही नहीं है। 1 से 25 तक की बात करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे काम की केवल 5, 10, 15, 20 और 25 है। 5, 10, 15, 20, 25 का मतलब है 5 संख्या हो गई। इन 5ों संख्याओं में 5, 5 का 1 फैक्टर तो है ही, लेकिन जो लास्ट में 25 आ रहा है उसमें 5, 5 के 2 फैक्टर हैं। इसका मतलब ये दिमाग में आई बात कि 25 से कटने वाली में 2 फैक्टर मिलेंगे, और केवल 5 से कटने वाली संख्या में 1 फैक्टर मिलेगा। तो 5, 5, 5 से कटने वाली 4 संख्या थी, और 25 से कटने वाली 1 संख्या थी, तो 4 में तो आपका 1 ही खंड मिल गया, और 25 से कटने वाली में 2 खंड मिल गए। तो ये पकड़ में बात आ गई हमारे पास में कि 1 से 25 तक की सारी संख्याओं की बात करें हम, चाहे 5, 10, 15, 20, 25 की बात करें हम, उनमें 5 ही खंड हमारे 6 होते हैं। और ये भी हमारे पास में कंसेप्ट आ गया कि जो केवल 5 से कट रही है
उसमें पाँच का एक खंड है, और जो 25 से कट रही है उसमें पाँच के हमारे पास दो खंड हैं। अब मैं बात करता हूँ 100 तक की। 100 तक की जब मैं बात करूँगा तो भाई हर एक लाइन के अंदर हमारे पास में जैसे 10, 20, 30, 10-10 की जो लाइन है हमारे पास, उन सब लाइनों में आपके पास में दो दो संख्या ऐसी हैं जो 5 से कटती हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, इस प्रकार से आपके पास जो 10 लाइन हैं उन 10 लाइनों में दो दो संख्या हैं। उन दो दो संख्याओं का मतलब हुआ कि 20 संख्या हो गई टोटल। दो दो संख्या 10 लाइनों में हैं तो 20 संख्या टोटल ऐसी हो गई जो आपकी 5 से कट रही हैं। लेकिन इनमें से इन 20 संख्याओं में से 4 संख्या ऐसी भी थी जो 25 से कट रही थी। कौन कौन थी ऐसी? खुद 25 था, फिर 50 था, फिर 75 था, फिर 100 था। इसका मतलब जो केवल 25 से कटती है, जो केवल 5 से कटती है उसमें 5 का एक खंड है, जो 25 से कटती है उसमें 4 दो खंड हैं। इसका मतलब हुआ कि 5 से कटने वाली तो 20 संख्या है उसमें, और 25 से कटने वाली उसमें कितनी है? 4 संख्या है उसमें। नहीं सॉरी, 20 में से ही 4 संख्या हैं। जब 20 में से ही 4 संख्या हैं तो आपके दिमाग में बात आनी चाहिए कि भाई 20 खंड तो वह ही, और 4 खंड हमारे पास में कौन से मिल गए? 25 के कारण। तो ये पकड़ में बात आ गई हमारे पास में कि 1 से लेकर 100 तक की जो सारी संख्या हैं उनके अंदर 5 के जो कुल खंड हैं वो 24 हैं। 24 क्यों हैं? क्यों 20 संख्या टोटल हमारी पास में ऐसी जो 5, 25 से कट रही हैं, 25 से कटने वाली उनमें 4 हैं, तो 4 खंड और बढ़ गए हमारे पास में। अब आपके पास जब ये पता चल गया कि 1 से लेकर 100 तक में हमारे पास में 24 संख्या हैं, अब देखो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। जब आगे बढ़ते हैं हम तो 1 से लेकर 100 तक का कंट्रोल हो गया कि 1 से लेकर 100 तक तो हमारे पास में 24 संख्या हैं। अब मैं 1000 तक की बात सोचता हूँ। 1000 तक की जब बात सोचेंगे हम तो 1000 तक में 100-100 के पैकेट 10 पैकेट हैं। 1000 तक की जो सारी संख्या है उनमें 100-100 के पैकेट कितने? 10 हैं। जब 10 पैकेट 100-100 के हैं और हर एक 100 के पैकेट में 24 खंड निकाल चुके हैं हम अभी, जब 24 खंड हर एक पैकेट में हैं और 10 पैकेट हमारे पास में 1000 तक आ रहे हैं, तो 24 × 10 = 240 हो गया। यानी 240 खंड तो हैं ही तुम्हारे पास, इससे कम तो चांस ही नहीं है। अगर आपके पास में 5, 25 से चेक कर रहे हो, 240 आ चुका है। अब इनमें से आपको जब 100 से ऊपर बात चलेगी हमारी, तो आपको ऐसी भी संख्या मिलेंगी जो 125 से कटेंगी। 125 के अंदर क्या रहा है? 5, 5 के 3 खंड आ रहे हैं, 5, 5, 5, 5, 125। 125 से कटने वाली कौन? अब 1000 तक ढूंढते हैं हम। 1000 तक में 125 से कटने वाली जो संख्याएं होती हैं हमारे पास, उनमें 5, 5 के 3 खंड होते हैं, और हमने 2-2 काउंट किए। बस 5, 25 से चेक किया हमने, 240 जो खंड हमारे पास आ चुके हैं उसमें 5, 25 चेक हो गया। लेकिन 125 से जो संख्या कट रही थी उसमें 5 के 3 खंड थे। तो अब ये चेक करो आपकी 125 से कटने वाली 1000 तक कितनी संख्या है। 1000 तक में सबसे पहले 125 से कटने वाली खुद 125 है, फिर 125 जोड़ो 250 है, फिर 125 जोड़ो 375 है, फिर 125 जोड़ो 500 है, फिर 125 जोड़ो 625 है, फिर 750 है, 750 है, 1000 है। कितनी हुई टोटल? 8 संख्या हो गई ना। इन 8 संख्याओं में हमारे पास में 5, 5 के 3 खंड थे, और हम आपके 2-2 खंड चेक कर चुके हैं। इसमें से 1 खंड 2 खंड तो काउंट हो गया इसमें से, लेकिन 1-1 खंड इन सबका बचा हुआ था। इसका मतलब ये निकला कि 8 खंड और बढ़ गई। जब 125 से कटने वाली हमारे पास में 8 संख्या हैं तो 8 खंड और बढ़ गए। तो 240 में 8 जोड़ो, 248 हो गए। अब देखो 5 का 1 खंड चेक हो गया, 5 के 2 खंड भी चेक हो गए, 5 के 3 खंड भी चेक हो गए। अब 5 के 4 खंड कहाँ होते हैं उसको चेक करते हैं हम। 5, 25 और फिर 25, 25 × 25 होता है 625। अब ये दिमाग में सोचो क्या 1000 तक 625 है? बिल्कुल है एक बार, लेकिन दो बार नहीं है, क्योंकि दूसरी बार जब आएगा तो 625 का डबल करूँगा मैं तो 1250 आएगा, और 1250 1000 से ऊपर पहुँच जाएगा। इसका मतलब हुआ कि 625 से कटने वाली केवल एक संख्या है, खुद 625, और उसमें 625 में 5 खंड 4 थे। 3 काउंट कर चुके हैं इसके हम। एक काउंट हो गया 5 से चेक करते वक्त, दूसरा काउंट हुआ 25 के कारण, तीसरा काउंट हुआ 125 के कारण, और चौथा काउंट हो गया आप 625 खुद के कारण। इसका मतलब एक फैक्टर और बढ़ गया। तो 240 तो वो थे, 8 125 कारण हो गए, और आपके पास में एक खंड जो बढ़ रहा है वो किस कारण बढ़ रहा है? 625 कारण बढ़ रहा है। इसका मतलब 1000 तक भी पकड़ में आ गया। 1000 तक की जो संख्या हमारे पास में, उन सब के अंदर 5 से कटने वाले 5 के खंड हमारे पास में 249 बैठे। अब इनको हम थोड़ा थोड़ा इंडिकेट करते हैं। ये थोड़ा एनर्जिक लेक्चर था हमारा, इसके अंदर ऐसे चेक करते हैं। अब आप नोट लिखो सीधे, इनको याद करना है, क्योंकि कई बार ये नोट ही सवाल बन के आते हैं कि 1 से लेकर 25 तक, 1 से लेकर 25 तक, 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 100 तक, 1000 तक भी आ सकता है।
हजार से ऊपर कभी नहीं आएगा, हाईएस्ट 1000 तक में आपको चेक करना है। अब लिखिए आप नोट, एक से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं में पांच के खंड 24 होते हैं। इनमें से 12 खंड सम संख्याओं आएंगे आपकी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। ये तो हुए सम संख्याओं के। अब देखो ये 10 संख्या है तुम्हारे पास में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सम संख्या तो और भी हैं, 2, 4, 6, लेकिन वो काम की नहीं है ना, काम की केवल वही है जो 5 से कट रही हैं। तो 5 से कटने वाली इसमें 10 संख्या थी, इन 10 संख्याओं में देखो 25 से कटने वाला एक तो 50 था, एक 100 था, इन दोनों में दो दो खंड बैठे हैं इसलिए 12 खंड हुए, टोटल 24 बैठ रहे हैं। 24 बैठ रहे हैं उनमें से आधे खंड सम संख्याओं के और आधे विषम के हैं, तो ये हम इंडिकेट कर रहे हैं। तथा शेष 12 खंड विषम संख्याओं के, और विषम में देखो कौन कौन आएंगी, 5 आएगा, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 65, 75, 85, 95, 10 ही संख्या ये है हमारे पास। इन 10 संख्याओं में से जो 25 और 75 है वो 25 से कटने वाली थी इसलिए इन दोनों में दो दो खंड थे, तो बिल्कुल वेरीफाई हो चुका है कि 12 खंड इसमें से टोटल 24 खंड हो गए। और अब आप लिख दो सीधे 1000 तक, 1 से 1000 तक में आप लिखो 1 से 1000 तक की सभी संख्याओं में पांच के खंड 249 होते हैं। अब ये 249 का वेरिफिकेशन लिख दो आप, 24 × 10 करके लिख दो 240, क्योंकि हर एक 100 की पैकेट में 24 थे ना, और फिर 8 खंड बढ़ा दो इसमें, ये तो थे 5, 25 के कारण, और 8 खंड हमारे बढ़े थे 125 कारण, और एक खंड बढ़ाया हमारे पास में 625 कारण, और टोटल हमारे पास खंड हो गए कितने, 249। ये 5 के खंडों का वेरिफिकेशन हो गया हमारा, और 5 के खंडों से हमारा एक और काम चलेगा, और वो काम चलेगा हमारा 0 निर्माण का, उसकी भी थोड़ी सी चर्चा करते हैं हम उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। देखिए मैंने पूछा आपसे, भाई आप ये बताइए कि 25 × एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपके लिए, कि भाई 25 × मैंने 24 किया तो इसका गुणनफल आ रहा है हमारे पास में 600, 24 × 5 = 120, ये 600 आया ना, 600 में कितनी जीरो आई, 2 जीरो आई। मैं चाहता हूँ कि आप इसका गुणा मत करो और बिना गुणा करे चेक करो कि कितनी जीरो आएंगी। तो जीरो का निर्माण होता कब है, जीरो का निर्माण तब होता है जब एक 5 का फैक्टर और एक 2 का फैक्टर, यानी 5 × 2 10 बनाना, एक जीरो बनी ना, एक 5 का फैक्टर और एक 2 का फैक्टर जब आपस में गुणा होते हैं तो एक जीरो बनती है। इसका मतलब है कि 5, 5 के फैक्टर इसमें कितने बैठे हैं, देखो 2 बैठे हैं, इसके अंदर 24 के अंदर 2 × 2 × 2 × 3 कह सकते हैं इसको आप, तो ये 8 थे 24 हो गया ना, इसका मतलब एक जोड़ा तो ये बन गया,
दूसरा जोड़ा ये बन गया, कितने जोड़े बन गए? दो जोड़े बन गए, यानी पाँच के और दो के जितने जोड़े बन जाते हैं उतनी जीरो बनती हैं। तो ये अगर आप गुणा नहीं करते तो आपको क्लियर दिख रहा था खंड करके ही। इसमें पाँच पाँच के देखो दो खंड हैं और दो दो के तीन खंड हैं, लेकिन तीसरा खंड काम का नहीं हमारा, क्यों नहीं है? क्यों पाँच का खंड नहीं है ना। तो जितने पाँच के और दो के जोड़े बन जाते हैं उतनी जीरो बन जाती हैं इसके अंदर। तो ये डायरेक्ट चेक हो गया बिना गुणा करे। इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं सौ तक भी चेक कर सकता हूँ। अगर मैं आपसे कह दूँ भाई एक से लेकर सौ तक की सारी संख्या गुणा करो और फिर चेक करो कि एक से लेकर सौ तक की सारी संख्या गुणा हो जाएँ तो गुणनफल के अंत में कितनी जीरो आएंगी। तो आपको ये पता चल चुका है थोड़ी देर पहले ही कि एक से लेकर सौ तक की सारी संख्याओं में पाँच पाँच के खंड होते हैं 24, और एक से लेकर सौ तक की सारी संख्याओं जब बात हो रही है तो 50 सम संख्या हैं, 50 विषम संख्या होती हैं, और 50 सम संख्या की जब बात हो रही है तो हर संख्या में अगर दो का खंड एक बैठा है तो 50 खंड तो वैसे ही बैठे हैं। इसका मतलब हुआ कि पाँच पाँच के जो 24 खंड हैं उन सबको दो दो मिल जाएंगे। जब उन सबको दो दो मिल जाएंगे तो सब जीरो बन जाएंगी। दो क्यों मिल जाएंगे? क्योंकि दो दो तो हमारे पास में ढेर सारे हैं ना। दो दो तो ढेर सारे क्योंकि 50 सम संख्याएं हैं, 50 सम संख्याओं में दो दो बैठे हुए हैं। अगर एक भी खंड मानते तो 50 तो वैसे ही हैं, जबकि 8 में 3 बैठे हैं, 32 में 5 खंड बैठे हैं, 64 में और ज़्यादा बैठे हैं। तो इस तरीके से हमारे पास में ये पता लग गया कि जब एक से लेकर सौ तक की जब बात हो रही है तो पाँच पाँच के खंड तो हमारे पास में फिक्स हैं 24, लेकिन दो दो के खंड हमारे पास में 24 से भी ज़्यादा हैं। जब 24 से भी ज़्यादा हैं तो इसका मतलब सारे पाँच पाँच खंडों को दो दो मिल जाएंगी। जब सब दो दो मिल जाएंगे सबके लिए तो 24 जीरो बन जाएंगी। तो मतलब ये निकला कि एक से लेकर सौ तक की सारी संख्या गुणा कर दी जाए तो गुणनफल के अंत में कितनी जीरो बनेंगी? 24 जीरो बनेंगी। तो इसका नोट डाल दो एक। एक से लेकर सौ तक की, एक से लेकर सौ तक की सभी संख्याओं का आपस में गुणा कर दिए जाए तो गुणनफल के अंत में चौबीस जीरो बनेंगी। क्योंकि इन सभी संख्याओं में पांच के खंड 24 हैं तथा दो के खंड 24 से भी अधिक हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आपने सारी संख्या गुणा कर दिया। इसका मतलब है कि एक इंटू दो इंटू तीन इंटू चार इंटू सौ तक, ठीक है ना। इसका मतलब यह है कि एक इंटू दो इंटू तीन इंटू चार इंटू पाँच इंटू और 99 इंटू 100, इन सब का गुणा करिए आपने। अब वैसे गुणा संभव थोड़ी है इसका करना, लेकिन इन सब के गुणनफल के अंत में जीरो पूछता है तो आपका तुरंत आंसर कितनी हो जाएंगी? 24 हो जाएंगी। और आज का काम यहीं पर समाप्त करूँगा मैं। बहुत अच्छा एनर्जिक आज लेक्चर हुआ है और इसको घर जा कर के अच्छे तरह से रिवाइज करेंगे आप, हर सवाल को आप निकालेंगे और फिर आगे कल बढ़ेंगे हम। ओके।